ये फोकस करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी होम फर्स्ट फाइनेंस के टॉप मैनेजमेंट से और Q3 नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO और MD मनोज विश्वनाथन जी। इसके अलावा बात होगी SBI के चेयरमैन दिनेश खारा जी से भी। फंड रेज उन्होंने किया है उसके बारे में समझाइश होगी, साथ ही बजट पर आगे बातचीत होगी। हमारे साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड जिनेश गोपानी जी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में बता देते हैं, मैनेजमेंट से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें, 2010 में शुरुआत हुई थी इस कंपनी की। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये, और घर खरीदने और निर्माण करने के लिए हाउसिंग लोन देती है। 50,000 रुपये प्रति महीने की इनकम वाले ग्राहकों पर इनका फोकस है। कंपनी के एक्टिव ग्राहकों की संख्या करीब करीब 60,000 के आसपास है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब वो स्टेट्स हैं जहां पर इनका काफी मजबूत पकड़ है। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा, काफी शानदार तिमाही नंबर आपने पेश किए हैं। हमने देखा नेट इंटरेस्ट इनकम में भी काफी अच्छी बढ़त हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी अच्छी बढ़त हुई है। तो ये जानना जरूरी है कि कौन से वो की फैक्टर्स रहे जिन्होंने इस बार सपोर्ट किया आपकी ग्रोथ को। ग्रोथ डिमांड बहुत स्ट्रांग है ग्राउंड पे। हम तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे ही फोकस करते हैं, लास्ट 10 ईयर से वही उसी सेगमेंट पे हम लोग फोकस करते हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में पहले कोविड के पहले भी बहुत डिमांड था, अभी भी वो कोविड के बाद भी डिमांड काफी अच्छा है। और हमारा जो ग्रोथ है लास्ट 3 क्वार्टर से आप देख रहे हैं, एवरी क्वार्टर सर 7-8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, तो मतलब एनुअलाइज 30% का ग्रोथ चल रहा है। तो डिमांड और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिमांड के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं और ग्रोथ वहीं से आ रहा है। आपका जो फोकस है विश्वनाथन जी, वो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम बायर्स के ऊपर भी रहता है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप पर भी आपकी कंपनी फोकस करती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, दो भाग में एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा आपको डिमांड देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ जो एवरेज टिकट साइज है वो किस क्या रहता है आपकी कंपनी के लिए। तो ज्योग्राफी हमारा हिस्टोरिकली जो स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफीज है वो गुजरात है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और सदर्न स्टेट्स में भी हमारे लास्ट दो दो साल से काफी अच्छा प्रोग्रेस है, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका में। तो फोकस तो ये 6 स्टेट्स में ही रहेगा हमारा आगे 2-3 साल के लिए। और ग्रोथ ये सारे स्टेट से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट में कम है ज्यादा है। टिकट साइज के ऊपर हमारा फोकस तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स पे है या फर्स्ट टाइम जो होम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर है। और टिपिकली देखेंगे तो ये 800-1000 स्क्वायर फीट के घर बनाते हैं, तो टिकट साइज जनरली 8 लाख से 12 लाख के रेंज में रहता है हमारा जो टिकट साइज। तो उसमें कोई चेंज ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपने ये भी गाइड किया है कि Q4 में जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ से और बेहतर होगी, प्री कोविड लेवल तक पहुंच जाएगी। इस समय अगर आप एक ओवरऑल पिक्चर दे सके कि एसेट क्वालिटी कैसी है कंपनी की, और साथ ही साथ किस तरह की प्रोविजनिंग करने की जरूरत आपको पड़ रही है फिलहाल। हाँ, एसेट क्वालिटी आप देखिए, हम 3-4 मेट्रिक्स पब्लिश करते हैं। पहले स्टार्टिंग विद जो बाउंस रेट है, तो बाउंस रेट सबसे पहले होता है जब पहले मतलब कलेक्शन कलेक्शन के पहले मतलब कलेक्शन के स्टार्ट पॉइंट से पहले ही बाउंस होता है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, 15% के रेंज पे आया है बाउंस रेट। उसके बाद जो मेट्रिक्स देखेंगे, 1 day past due और 30 day past due, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है। 1 day past due में काफी इंप्रूवमेंट, 1+1% का इंप्रूवमेंट है लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के हिसाब से। 30+ में भी इंप्रूवमेंट है। तो सारे मेट्रिक्स जो अर्ली बकेट जो बोलते हैं या अर्ली कलेक्शन जो बोलते हैं, सारे मेट्रिक्स में काफी इंप्रूवमेंट है। एज फार एज NPS कंसर्न, जो लास्ट क्वार्टर 1.7% था, इस क्वार्टर भी 1.7, मतलब उस सेम मेथोडोलॉजी में देखेंगे तो 1.7% ही है। जो जो हमने पब्लिश किया है 2.6%, दैट इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ रीक्लासिफिकेशन ड्यू टू न्यू RBI गाइडलाइंस। तो अक्रॉस ऑल बकेट्स देयर इज एन इंप्रूवमेंट, एंड NPA ऑल्सो मतलब ये फॉलो थ्रू होगा। जो अगर अर्लियर बकेट्स में अगर इंप्रूवमेंट है तो NPA में भी आगे जाके इंप्रूवमेंट होगा। तो यही हमारा मतलब गाइडेंस है।
करेक्ट मनोज जी, यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है उसमें कौन कौन सी थीम्स प्ले आउट कर रही है। हम देख रहे हैं कि मल्टी ईयर साइकिल में आपका ये सेगमेंट दिखाई देता है। हाउसिंग सेक्टर को लेकर बजट में काफ़ी बातें होती हैं, फोकस लगातार अब सभी का बजट में बना हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह का थ्रस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय गवर्नमेंट से, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में हाउसिंग सेक्टर स्पेशली जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को अब कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? तो अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ ऑलरेडी किया है और जनरली जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेटर ही अनाउंसमेंट्स होते हैं, बेटर ही प्रपोजल्स आते हैं। तो इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नया हो, नया आ सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। बट एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर रिकॉग्निशन, सो सारी चीजों में सपोर्ट हमको मिल रहा है एंड विच इज द रीजन ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट इतना अच्छा कर रहा है। ओके, एक आखिरी सवाल कंपनी से जुड़ा हुआ ही मनोज जी, वो ये कि अब नंबर्स इस बार तो काफ़ी अच्छे हमने देखे ही हैं और आप बता रहे हैं कि यहाँ से स्थिति बेहतर ही होती जाएगी। आने वाला जो साल है अगर आप उसका एक व्यू दे सके, किस तरह कंपनी, कौन कौन से टारगेट्स आपने अपने लिए रखे हुए हैं, किस तरह से ग्रोथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन काफ़ी है इस स्पेस में, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? तो अगले साल के लिए प्लान्स हमारा, जो पहले भी हमने जो गाइडेंस दिया है, हम लोग 25-30% का जो AUM ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स ईयर ऑन ईयर। जो हमारा जो प्लानिंग है ग्राउंड लेवल पे कि कौन से लोकेशंस ओपन करने हैं, कितने ब्रांचेस ओपन करने हैं, वो सब हमारा एज पर प्लान चल रहा है। हायरिंग, ट्रेनिंग, वो सब एज पर प्लान चल रहा है। कंपटीशन तो हमेशा रहा है हाउसिंग सेक्टर में और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली कंपटीशन तो रहा ही है। बट देयर इज डेफिनेटली, मतलब हमारे जैसे फोकस्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं और मार्केट इतना बड़ा है कि ऐसा, मतलब फोकस्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर्स की जरूरत है मार्केट में और हम लोग वो जो मतलब नीड है या वैक्यूम है वो उसको फिल करने का हमारा कोशिश है। बिल्कुल मनोज विश्वनाथन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जीटी नाउ समय के लिए, स्वदेश के लिए समय निकालने के लिए और हमसे अपनी कंपनी के प्लान्स पर चर्चा करने के लिए। आपको ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी। चलिए, तो वहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस का मैनेजमेंट बताता हुआ कि कंपनी किस तरह से पिछली बार परफॉर्म कर रही थी और आने वाले समय में किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिखाई देते हैं। चलिए।